हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे. सो लेट मी शो यू दिस, व्हाट इज आर एफर्ट, व्हाट इज आर एंडेवर एज ए लास्ट स्लाइड. लेट मी शेल यू, देर आर रिड्यूस्ड रीपोल्स, दैट इज व्हाट वी आर एंडेवरिंग. जीरो वॉयलेंस, दैट्स व्हाट वी आर एंडेवरिंग. नो इंड्यूसमेंट्स जिस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्ब की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. विद दिस आई वुड लाइक टू इन द एंड अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू. प्लीज कम एंड वोट. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वील बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे. वील बी रूथलेस. एंड लास्टली my appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. Rajnitik dalon ko bahut personal attacks se bachna chahiye. Fir mujhe Badar sahab ka ek sher yaad aata hai. दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा चल रही है. तो पार्टीज़ कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके.